हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शुभलक्ष्मी और आप सभी को लजीज जायका में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ दही आलू बैंगन। आप सभी ने इसे बनाया होगा, खाया भी होगा और ये मैं अपनी तरह से बनाना चाहती हूँ। मैं कैसे इसे बनाती हूँ, आइए मैं दिखाती हूँ। दही आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गर्म कर लिया है। उस पे मैंने ये 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैंने ये 2 बैंगन को गोल गोल करके काट लिया था। इसको मैं ये ऑयल में फ्राई कर लूँगी। उस पे मैंने ये 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है। अभी इस बैंगन को उलट पलट के ऐसे मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, ऐसे उलट पलट कर इसको फ्राई कर लेंगे। मेरा बैंगन यहाँ पे फ्राई हो चुका है। मैं एक प्लेट में इसको निकाल के रख देती हूँ। देखिए, मैंने सारे बैंगन को ऐसे निकाल लिया है एक प्लेट में। अभी यही सेम पैन में हम आलू फ्राई करेंगे। आलू को भी मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है और मैंने 4-5 बड़ा साइज़ के भिंडी ले लिया था, उसको भी लंबा लंबा करके काट लिया। इसको भी ऐड कर देंगे, साथ में आलू और भिंडी को फ्राई कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मेरा आलू भिंडी फ्राई भी बन के तैयार हो चुका है। इसको भी एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, अभी इसी सेम पैन में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। उसके बाद उसमें मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड डाला है और 2 ग्रीन चिली डाल देंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक रखा था, उसको चॉप कर लिया है, उसको डाल देंगे। और ये लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसको भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और 12 से 15 करी लीव्स मैंने इधर डाल दिया है। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, उसी के साथ मैं यहाँ पे क्रस्ट किए गए काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये 2 टीस्पून बेसन, और मैंने बेसन के साथ 1 पिंच हींग डाला है। आप हींग पहले डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे बेसन के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे इसको। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है। पानी में थोड़ा सा उबाल आने दीजिए। देखिए, अभी हम यहाँ पे ये कॉर्ड डालेंगे। दही में मैंने थोड़ा सा पानी मिला के उसे अच्छे से फेंट दिया था, उसको यहाँ पे मैं मिला रही हूँ। दही डालने के बाद हमें अच्छे से उसको मिलाना होता है, नहीं तो दही फट जाता है। जितना पानी चाहिए आपको, थिक चाहिए या पतला चाहिए या मोटा चाहिए, आप उतना हिसाब से पानी मिला सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर फ्राइड वेजिटेबल डाल दिया है। आलू बैंगन और भिंडी को इधर डाल दिया है मैंने। अभी मैं यहाँ पे 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अच्छे से मिला दूँगी, इसे अच्छे से उबाल लूँगी मैं। देखिए, पाँच मिनट तक इसको ऐसे अच्छे से मिलाकर हमको उबाल लेनी है। अभी ये हमारा दही आलू बैंगन बनके तैयार हो चुका है। अभी इसको गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। दोस्तों, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपने दही बैंगन तो बनाई होगी बहुत बार, लेकिन मेरी ये दही बैंगन और आलू आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा।
और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाने से आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।